मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना ने मुरादाबाद का दौरा कर झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ अभियान का शुभारंभ किया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना ने शनिवार को मुरादाबाद का दौरा कर झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ अभियान का शुभारंभ किया। पंकज अवाना ने युवाओं में जोश भरते हुए बताया कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। आज दिल्ली का मॉडल लोगों की जुबान पर है और आने वाले समय में देश के हर कोने तक आम आदमी पार्टी का डंका बजेगा, क्योंकि अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं व फ्री बिजली पानी आदि पर सभी जनमानस अधिकार है। कार्यक्रम में मौजूद रुहेलखंड के प्रभारी शादाब त्यागी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जो कहती है उससे कहीं ज्यादा करती है। एक तरफ झूठे वादे हैं और एक तरफ काम की राजनीति, जिसका चुनाव आपको करना है। वहीं अगले प्रमुख वक्ता के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष भगवानपुर सभासद एडवोकेट जावेद आलम ने अपना पक्ष रखा। जावेद आलम ने नगरीय की निकायों की हालत पर रोशनी डालते हुए बताया कि आज प्रदेश के निकायों में कूड़ा प्रबंध को लेकर कैसे दुर्दशा है और किस प्रकार से स्वच्छ पेयजल व सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। आज देश के कोने कोने को आम आदमी पार्टी की विकास की राजनीति की जरूरत है, क्योंकि चुनाव होने से सिर्फ लोग बदलते हैं, व्यवस्था वही रहती है। अगर बदलाव चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को मौका देना होगा। वाली पार्टी ने ये दिखा दिया कि हम दो सीट वाली पार्टी नहीं है। हम तो दो राज्यों में आने के बावजूद भी नहीं है, हम एक दिन पूरे हिंदुस्तान पर छाकर रहेंगे और दिखा देंगे कि हमारे देश में आजादी के परवानों ने किस लिए आजादी का बीड़ा उठाया था और आजादी के 70 सालों के बाद हमारा मतदाता आज तक जो ठगा जाता रहा है, अब वो ठगने का काम हम बंद कर देंगे। क्योंकि जो भी हमारा व्यक्ति है, एक नौजवान है, जब वोट की लाइन में लगता है तो वो सोचता है कि अब आने वाले समय में मेरे मोहल्ले की अच्छी सफाई होगी, मेरे मोहल्ले में अच्छे स्कूल बनेंगे, मेरे मोहल्ले में अच्छे अस्पताल बनेंगे, मुझे अच्छा राशन मिलेगा, राशन मेरे घर पहुंचेगा। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ कुर्सियां बदलती हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। और अब हमें आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो आंदोलन की गोद से जन्म दिया, जिसने साबित कर दिया कि एक आम आदमी भी अगर चाहे तो अपनी इच्छा शक्ति से, अपने प्रयासों से, लोगों के प्रेम से लोगों को जोड़ सकता है और लोगों को लेकर आगे बढ़ सकता है। और एक इनकलाब, आपको बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी विशेष खानदान की होने की जरूरत नहीं है, विशेष परिवार के होने की जरूरत नहीं है। आपका ये भी जरूरी नहीं कि आप किस राजनीतिक घराने से आते हैं, आपको एक आम आदमी और एक आम नागरिक होने की जरूरत है। जिस दिन आपने ठा लिया कि मैं ही वो आम आदमी हूँ, मैं ही वो आम नागरिक हूँ जो देश में बदलाव ला सकता है, यकीन मानिए उस दिन से आपने उस बदलाव में सबसे बड़ा योगदान दे दिया। सिर्फ अपने आप से ये बात करनी है, अपने आप से ये वादा करना है कि हाँ, मैं ही वो आदमी हूँ जिससे देश बनता है, मैं ही वो आदमी हूँ जिससे बदलाव आता है। यदि हम सोचें कि हमारा राजनीति का घराना नहीं है, हमारे कोई राजनीतिक साथ नहीं है, तो ये सोच गलत है। जब बनेगा, जब हम नंबर एक के लोगों को सरकार में बिठाएंगे, उन्हें लेकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी का वादा है कि देश को नंबर एक बनाना है तो आम आदमी पार्टी को पूरे देश बनाना है। तो मैं एक बात के साथ, एक शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि वो यहीं से लौट जाए, वो यहीं से लौट जाए जिसे सर अजीज है, हम सर फिर रोके साथ को सर फिर चले। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।